गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू थाट। थाट इज ए शॉर्ट नोट्स फॉर 2 मार्क्स इन एग्जाम, सो लेट अस डू इट। इन द एंड ऑफ 15th सेंचुरी द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन पंडित लोचन हैड डिस्क्राइब्ड थाट वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज बुक राग तरंगिनी। अकॉर्डिंग टू हिम थाट आर द पेरेंट्स ऑफ राग, विदाउट थाट नॉट इवन वन राग कैन बी ओरिजिनेटेड। पंडित लोचन हैड डिस्क्राइब्ड इन हिज बुक दैट ड्यूरिंग पास्ट टाइम अप्रोक्सीमेटली 16,000 रागस वर देयर एंड गोपीज यूज टू परफॉर्म दोज रागस इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। According to music scriptures, it is true that in past approximately 16,000 rags were there, but only 36 rags were most popular and in use. तो बेटा थाट इज ए फैमिली, मतलब ये 10 थाट हैं टोटल। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हर थाट में राग जो हैं डिवाइडेड किए हुए हैं, सारे डिवाइडेड हैं राग। किसी राग में 30, किसी थाट में 30 राग हैं, किसी में 40 है, ऐसे ऐसे करके डिवीज़न है। ये ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इसका थाट का भी जान लो। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी अकॉर्डिंग टू थाट द क्लासिफिकेशन ऑफ राग्स बिकेम पॉपुलर। इट इज़ क्लियरली डिपिक्टेड इन द फेमस स्क्रिप्चर ऑफ द कंटेम्प्रेरी टाइम दैट इज संगीत पारिजात एंड राग विभोध। ड्यूरिंग सेम सेंचुरी पंडित श्रीनिवास एक्सप्लेन्ड व्हाइल डिफिनिशिंग दैट द राग ओरिजिनेटेड फ्रॉम थाट एंड डिस्क्राइब्स 3 फॉर्म्स ऑफ थाट, ओडम शाडम सपूर्ण। यानी 5 स्वरों वाले रागों के अलग थाट हैं, 6 स्वरों वालों के अलग थाट हैं। मतलब थाट इज ए फैमिली ऑफ राग, ठीक है। बाकी इसको देख लेना 2 मार्क्स के लिए। सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज लय। लय इज सिंपली द टेम्पो और द स्पीड, और यू कैन से द पेस एट विच ए ताल और ए ठेका इज प्लेड। बेटा ठेका इसमें नया वर्ड है, ये एग्ज़ाम में आता है कई बार। अब 12th के फाइनल एग्ज़ाम में ताल की को एज ए ठेका भी यूज़ करते हैं, ये जो इसका सिमिलर वर्ड है ताल का। सो यू कैन से विच ए ताल और ए ठेका इज प्लेड, बी इट स्लो मीडियम और फास्ट, वी जनरली आर द 3 ऑब्जर्व्ड स्पीड्स। हेंस लय डिनोट्स हाउ द टाइम इज बींग स्पेंट। लय मीन्स बेटा कोई गाना गा रहे हैं, कभी वो फास्ट हो रहा है, कभी वो स्लो हो रहा है, कभी वो फास्ट और स्लो के बीच में चल रहा है, तो इसको हम लय बोलते हैं। स्पीड का कम होना या स्पीड का ज़्यादा होना, दैट इज लय। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लय। नंबर 1 स्लो लय इज कॉल्ड विलंबित, विलंबित भी बोलते हैं इसको, स्लो भी बोलेंगे। एंड टेक्स अप 5 सेकेंड्स पर बीट बाई ए वेरी रफ रूल ऑफ थम। एंड सेकेंड इज बेटा मीडियम लय, इज कॉल्ड मध्य एंड टेक्स अप 1 सेकेंड पर बीट बाय ए वेरी रफ रूल ऑफ थम। एंड थर्ड इज बेटा फास्ट लय, इज कॉल्ड द्रुत, और यू कैन से 1/4 ऑफ ए सेकेंड, 250 मिली सेकेंड्स पर बीट बाय ए वेरी रफ रूल ऑफ थम। देर इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव अति मीनिंग एक्सेसिव दैट इज यूज विद द स्लो एंड द फास्ट लयस to denote excessively slow and excessively fast tempos. Each artist will have a somewhat different beat duration to represent the slow, medium and fast tempos based on his preferences. So बेटा मतलब लय पहले तो आपको choose करना है कि आपके गाने की, आपके बजाने की लय क्या होनी चाहिए, slow में, medium में, fast में। पहले बेटा slow में practice करनी है, फिर medium में, और फिर fast में। तो दैट इज़ लय बेटा, स्पीड का कम या ज़्यादा होना, दैट इज़ लय इन म्यूज़िक। और सेकंड नेम ऑफ लय इज़ ठेका, यू कैन से ठेका और लय इज सेम। सो इन टॉपिक्स को बेटा लिख भी लेना है और यूनिट एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक करने। थैंक यू।